मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि कल की क्लास में अपन ने देखा था नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, ठीक है। नेफ्रॉन क्या होती है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, ठीक है। नेफ्रॉन ही वो स्ट्रक्चर है, वो संरचना है, ठीक है, जहाँ पे यूरिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और यूरिन के द्वारा अपने बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो आज हम कल अपने नेफ्रॉन के बारे में पढ़ा था, उस नेफ्रॉन का आज थोड़ा रिविजन लेंगे और एक दो पॉइंट थोड़े से उसमें मैं एक्स्ट्रा ऐड करूँगा उसके लिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने क्या लिखा था, प्रत्येक नेफ्रॉन कहाँ पाया जाता है? बोमन कैप्सूल्स के अंदर, ठीक है। और बोमन कैप्सूल किसका पार्ट है? रेनल मेडुला का। फिर अपन ने देखा था कि किडनी के अंदर, लेफ्ट और राइट किडनी के अंदर, एब्डोमिनल एरोडा से एक ब्रांच निकलती है रीनल आर्टरी। वो ब्रांच क्या, रीनल आर्टरी क्या करती है? आगे जाके बहुत सी शाखाओं में विभाजित हो जाती है और छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित हो जाती है। प्रत्येक शाखा जो है एक एक नेफ्रॉन के पास आती है, ठीक है। तो ये वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो कहाँ से निकलता है? वो जो है ब्लड से ही फिल्टर किया जाता है, ठीक है। ब्लड के अंदर ही वो जो भी हमारे बॉडी के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो ब्लड के अंदर रहते हैं, ठीक है। ब्लड के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाता है। जैसे मान लो कि ब्लड के अंदर बहुत सारी चीज़ें होगी, जैसे आपने ब्लड पढ़ा है कि ब्लड के अंदर क्या होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है, और वाटर होता है, प्लाज्मा प्रोटीन्स है, अपन जो न्यूट्रिशन खाते हैं वो है, हॉर्मोन्स है, एंजाइम्स है, और उसके वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह ये सब चीज़ें होती है। तो उस वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना पड़ता है, ठीक है, बाहर निकालना अपनी बॉडी से। तो वो ब्लड के अंदर है, तो ब्लड से ही वो चीज़ फिल्टर की जाती है। इस वजह से जो है एक एक ब्रांच जो है, एक एक शाखा जो है नेफ्रॉन के पास आ रही है। यहाँ से इसका नाम क्या है शाखा का? एफरेंट आर्टेरियल्स, एफरेंट आर्टेरियल, ठीक है, एफरेंट आर्टेरियल। एफरेंट आर्टेरियल फिर क्या करती है? वुमन कैप्सूल्स के अंदर जाती है और यहाँ पे कैपिलरीज में विभाजित हो जाती है, जिसको अपन ने क्या बोला था? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस ये जो आप ब्लैक ब्लैक देख रहे हो अंदर, ये ब्लू कलर की एफरेंट आर्टरी और साइड से वुमन कैप्सूल्स के अंदर विभाजित हो गई, जिसको अपन ने ग्लोमेरुलस कहा, ठीक है। फिर वापस जो है ये कैपिलरीज सब मिलके एक ही ब्रांच बाहर निकलती है वुमन कैप्सूल से, जिसको अपन ने डिफरेंट आर्टरी और कह दिया, डिफरेंट आर्टरी और, ठीक है, एफरेंट और ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज आके इसके अंदर वापस डिफरेंट आर्टरी और, ठीक है। फिर डिफरेंट आर्टरी और आगे जाके लूप ऑफ हेनले के यहाँ पे उसके साथ साथ चलती है नीचे की तरफ, जिसको अपन ने क्या बोल दिया था, ये देखो साथ साथ नीचे चलती है ब्लैक कलर की, इसको अपन ने क्या बोला था? वासा रेक्टा, वासा रेक्टा। और कुछ जो शाखाएं हैं इस वासा रेक्टा से बीच में होके जो लूप ऑफ हेनले है इसको बीच में से निकलती है, देखो ये बीच में से निकल रही है, इसको अपन ने क्या बोला था? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक है। फिर क्या होता है, वासा रेक्टा आगे जाती है और फिर बहुत सारी हर एक नेफ्रॉन से वापस मिलती है और रेनल वेन की फॉर्म में बाहर निकल जाती है, रेनल वेन की फॉर्म में बाहर निकल जाती है किडनी से, ठीक है। यहाँ तक समझ आएगा कि जो रेनल आर्टरी किडनी के अंदर एंटर करती है, ठीक है, बहुत सारी शाखाओं में विभाजित हुई, एक एक शाखा नेफ्रॉन के पास आ रही है, एक शाखा एफरेंट आर्टेरियल्स, फिर ग्लोमेरुलस बनाया उसने कैपिलरीज, फिर ग्लोमेरुलस से वापस डिफरेंट आर्टेरियल्स, डिफरेंट आर्टेरियल्स से क्या, फिर लूप ऑफ हेनले के साथ साथ नीचे की तरफ जाती है। इस संरचना को अपन ने क्या बोला? वासा रेक्टा, जो यू शेप है, ठीक है। अब वासा रेक्टा से बीच बीच से कुछ शाखाएं जो है जो लूप ऑफ हेनले को आर पार से निकलती है, जिसको अपन ने पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कहा, ठीक है। फिर क्या होता है, वासा रेक्टा जो है आगे जाके जैसे इसकी वासा रेक्टा, ठीक है, दूसरे नेफ्रॉन की सब मिली एक साथ, और फिर क्या होता है, एक साथ एक बड़ी वेन बना देगी, क्योंकि जो ब्लड किसी के पास लेके जाते, ऑक्सीजन वगैरह लेके जाते, न्यूट्रिशन, वो आर्टरी होती है और वापस टिश्यू से निकलती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड्स वगैरह जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होती है फिर वेन, लेकिन यहाँ वेस्ट प्रोडक्ट्स निकल जाएंगे सब,
फिल्टर हो जाएंगे, बाकी बचा हुआ जो ब्लड है वो कौन लेके जाएगा, रिनल वेन, रिनल वेन वापस कहाँ लेके जाएगा इसको, इन्फीरियर मैंने कहवा दिया, ठीक है, ये वापस रिनल वेन आगे जाके कहाँ मिल जाएगी, इन्फीरियर मैंने कहवा, इन्फीरियर वेना कहा जाएगा, ठीक है, रिनल आर्टरी और रिनल वेन किडनी से निकल गई, ठीक है, ये तो उसकी ब्लड सप्लाई के बारे में हुआ। अब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं, सबसे शुरुआती संरचना जो है नेफ्रॉन की कौन सी थी, वुमन कैप्सूल, वुमन कैप्सूल, ठीक है, वुमन कैप्सूल के बारे में कुछ बताता हूं मैं, वुमन कैप्सूल के अंदर आप क्या लिखोगे, वुमन कैप्सूल के अंदर आप लिखोगे ये डबल मेम्ब्रेन कप जैसी संरचना होती है, कप लाइक स्ट्रक्चर होती है, वुमन कैप्सूल क्या होती है, वुमन कैप्सूल डबल मेम्ब्रेन मतलब डबल डबल चीजें होती है, एक बाहर की तरफ परत है दूसरी के अंदर वाली, ठीक है, जैसे कप होता है ना उल्टा, जैसे कप है मान लो ये कप है, तो ये एक वाली परत ये हो गई, दूसरी वाली अंदर वाली डबल डबल हो गई, एक बाहर वाली एक अंदर वाली, इसके बीच में क्या होगी, ये ब्लड कैपिलरी जो ग्लो मेडुला से, ठीक है, ऐसा होता है ये स्ट्रक्चर से समझना क्या वुमन कैप्सूल, तो वुमन कैप्सूल का हमने क्या कहा कि डबल मेम्ब्रेन, ठीक है, डबल झिल्लियों वाली कब जैसी स्ट्रक्चर संरचना होती है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपको ये लिखना है उसके अंदर, दूसरा क्या लिखोगे इसके अंदर कि ये नेफ्रॉन का शुरुआती पार्ट होता है, नेफ्रॉन का शुरुआती पार्ट होता है, स्टार्टिंग पार्ट होता है, या फर्स्ट स्ट्रक्चर होती है, स्टार्टिंग पार्ट होता है, नेफ्रॉन की सबसे पहली संरचना कौन सी हो जाएगी, वुमन कैप्सूल, डबल मेम्ब्रेन कप शेप संरचना होती है, यह आगे से क्लोज होती है, आगे से क्लोज होती है, बंद होती है, ठीक है, कितने पॉइंट हुए, सबसे पहला कि डबल मेम्ब्रेन कप जैसी संरचना होती है, ये नेफ्रॉन का शुरुआती पार्ट होता है, ठीक है, आगे से बंद होता है ये, ठीक है, इसमें लिखना एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें पोडोसाइट, PODOCYTE पोडोसाइट नामक सेल्स पाए जाते हैं, पोडोसाइट नामक सेल्स पाए जाते हैं, PODOCYTE पोडोसाइट नामक सेल्स पाए जाते हैं, अभी पोडोसाइट सेल्स क्या है, पोडोसाइट ही वो सेल्स है जो क्या करते हैं, यहाँ से ब्लड से वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को फिल्टर कर देते हैं, पोडोसाइट जो है छलनी जैसा काम करता है, छलनी अपन समझते हैं जिसके अंदर अपन डालते कुछ और फिर हिलाते तो वो छलनी छन के अंदर बाहर निकल जाता है, ठीक वैसे ही पोडोसाइट जो है ना, जैसे ही मान लो ग्लो मेडुला की कैपिलरीज है, ठीक है, इसके ऊपर की तरफ ये होते हैं ऐसे, और इसके अंदर जो है छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है, तो पोडोसाइट ही वो सेल्स हैं जिसके द्वारा फिल्ट्रेशन होता है, तो सबसे पहले ये बात देखोगे कि ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, दूसरे शुरुआती पॉइंट शुरुआती स्ट्रक्चर है ये नेफ्रॉन का, और ये आगे से बंद होता है, क्लोज होता है, इसके अंदर पोडोसाइट नामक सेल्स पाए जाते हैं, पोडोसाइट सेल्स के द्वारा ही फिल्ट्रेशन होता है, फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन मतलब छलना, ठीक है, तो नेक्स्ट लास्ट पॉइंट लिखोगे पोडोसाइट सेल्स के द्वारा ही फिल्ट्रेशन होता है, या फिल्ट्रेशन प्रक्रिया जो है वो पोडोसाइट सेल्स के द्वारा ही होती है, या पोडोसाइट सेल ही ब्लड को फिल्टर करता है, ठीक है, आप जैसा चाहे आपको समझ में आए वैसा लाइन लिख देना, बस इतना समझना है कि वुमन कैप्सूल के अंदर जो है पोडोसाइट नामक सेल्स पाए जाते हैं, और यही सेल्स जो है वो फिल्ट्रेशन करते हैं, इसके सेल्स के द्वारा ही फिल्ट्रेशन होता है ब्लड के अंदर, ब्लड का, ठीक है, ब्लड के अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है या जो भी चीज़ें वो छन जाती है वो किसके द्वारा होता है, इस पोडोसाइट सेल्स के द्वारा होता है, ये आपको समझना है, फिर लास्ट पॉइंट लिखोगे कि पोडोसाइट सेल्स के द्वारा ही फिल्ट्रेशन होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है,
इसके द्वारा जो ब्लड है वो छनता है। बस इतना आपको वुमन कैप्सूल्स के अंदर लिखना है। नेक्स्ट संरचना इसकी नेफ्रॉन की, नेक्स्ट है ये वाली, यहां से लेके यहां तक। इसको अपन ने क्या कहा था, प्रॉक्सिमल कॉर्नियल एडजेसेंट टिश्यू, प्रॉक्सिमल कॉर्नियल टिश्यू। प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल, ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल। इसमें आप क्या लिखोगे, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल बोमन कैप्सूल्स के बाहर की संरचना होती है, ठीक है, या ये कह सकते हो कि बोमन कैप्सूल, बोमन कैप्सूल और लूप ऑफ हेनलीज, लूप ऑफ हेनलीज की बीच की संरचना होती है, बीच की संरचना होती है या बीच में पाई जाती है। समझ में आया सबसे पहले पॉइंट कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल बोमन कैप्सूल और लूप ऑफ हेनलीज की बीच की संरचना होती है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल में पीसीटी में क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाई जाती है, क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाई जाती है। एपिथेलियम टिश्यू कराया था मैंने, एपिथेलियम टिश्यू, सिंपल स्क्वामा, सिंपल क्यूबॉइडल, कोलोमनर एपिथेलियम, सुडो स्ट्रेटिफाइड वगैरह। तो पीसीटी जो है इसमें क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाई जाती है, ये पॉइंट लिखना आपको। नेक्स्ट, ठीक है, ये दो पॉइंट लिख गया इसमें काफी है कि वुमन कैप्सूल और लूप ऑफ हेनली के बीच बीच की संरचना होती है पीसीटी, उसके अलावा क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाया जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट, लूप ऑफ हेनली, लूप ऑफ हेनलीज क्या होती है, ये पीसीटी एंड डीसीटी डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल के बीच की संरचना होती है, पीसीटी और डीसीटी के बीच की संरचना होती है। सबसे पहला पॉइंट कि ये पीसीटी और डीसीटी, ये डीसीटी है ना, यहां से लिखिए आप डीसीटी, तो ये पीसीटी और डीसीटी के बीच की संरचना होती है। नेक्स्ट पॉइंट, यू शेप, यू शेप की संरचना होती है, यह दो भागों में विभाजित होता है, दो पार्ट होते हैं इसमें, कौन कौन से कल बताया था मैंने, सबसे पहला डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनलीज, लूप ऑफ हेनलीज और असेंडिंग लूप ऑफ हेनलीज। डिसेंडिंग, DECENDING, डिसेंडिंग मतलब मैंने बताया था नीचे जो जाने वाला पार्ट है वो आउटपुट जो आ रहा है वो असेंडिंग ग्रुप ऑफ हेनलीज, ठीक है, इतना इसमें सिर्फ दो दो तीन तीन पॉइंट लिखना। नेक्स्ट, लास्ट पॉइंट स्ट्रक्चर इसका डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल, ये संरचना कौन सी होती है, ये नेफ्रॉन की लास्ट की संरचना होती है, एंडिंग पोर्शन होता है, लास्ट संरचना होती है, ठीक है। डीसीटी, डीसीटी में क्या लिखोगे कि इसमें भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाई जाती है,
इंपॉर्टेंट एपिथेलियम पाई जाती है। एक पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया, इसमें लूप ऑफ फैनले के अंदर, तो लूप ऑफ फैनले का जो इतना पार्ट रहता है पार्ट, इसमें सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम पाई जाती है। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम बल्कि वो थिक थिक पार्ट है, मोटा वाला पार्ट, उसमें जो है क्यूबॉर्डल एपिथेलियम पाया जाता है। ऐसे लिखना, इन दोनों में लूप ऑफ फैनले के अंदर सिंपल क्यूबॉर्डल तथा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम पाई जाती है, ऐसा लिख दे रहा हूँ। जैसे कि पीसीटी के अंदर क्यूबॉर्डल एपिथेलियम पाई जा रही है, लूप ऑफ फैनले के अंदर दोनों होती है, क्यूबॉर्डल और स्क्वेमस, क्यूबॉर्डल और ये पॉइंट ऐड करना। सिंपल लूप ऑफ फैनले के अंदर जो है एक पॉइंट ऐड करना कि इसके अंदर क्यूबॉर्डल एपिथेलियम तथा स्क्वेमस एपिथेलियम दोनों पाई जाती है, इतना लिख लेना, ठीक है। जबकि पीसीटी और डीसीटी के अंदर क्यूबॉर्डल एपिथेलियम पाई जाती है, पीसीटी डीसीटी के अंदर क्यूबॉर्डल एपिथेलियम पाई जाती है, लूप ऑफ फैनले के अंदर दोनों पाई जाती है। फिर क्या होता है, डीसीटी कहाँ जाके मिलती है, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब जो है, जैसे ये नेफ्रॉन है, या तो दूसरा और नेफ्रॉन होगा, ठीक है, या तो और नेफ्रॉन होगा, सभी जो है कहाँ जाके मिलेंगे, एक ट्यूब्स के अंदर जाके मिलते हैं, जिसको ऊपर निकल गया बोला था कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट नाम से पता चल रहा है, कलेक्टिंग डक्ट का मतलब क्या करेगी है, सभी यूरिन को कलेक्ट करने का काम करेगी, सभी यूरिन को कलेक्ट करने का काम करेगी, नाम उसका नाम लेते हैं कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो ये थी इसकी संरचना पर नकल देखनी थी, और आज इसका रिवीजन हुआ है। नेफ्रॉन की जो स्ट्रक्चर सबसे पहली कौन सी हो जाएगी, बोमन कैप्सूल, ठीक है। बोमन कैप्सूल के अंदर क्या लिखोगे आप, कि बोमन कैप्सूल डबल मेम्ब्रेन कप शेप स्ट्रक्चर होती है, ये नेफ्रॉन का शुरुआती पार्ट है, ठीक है। सेकेंड कह सकते हो कि इसके अंदर पोडोसाइट नामक सेल्स पाए जाते हैं, जहाँ पे ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। और एक पॉइंट और ऐड करते हैं इसके अंदर, इसके अंदर ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम पाई जाती है, कौन सी, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, ये किसके अंदर पाई जाएगी, बोमन कैप्सूल के अंदर, बोमन कैप्सूल के अंदर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम पाई जाती है, ठीक है। इसके अंदर पोडोसाइट सेल्स पाए जाते हैं, जहाँ पे ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, और ये नेफ्रॉन का शुरुआती पार्ट है, ठीक है, और ये आगे से बंद होता है, बस सिंपल इतना पांच छह पॉइंट लिखने हैं। फिर नेक्स्ट आ जाओ पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल लूप ऑफ फैनले और वुमन कैप्सूल के बीच का पार्ट होता है, ठीक है। ये थोड़ी जटिल क्रिया, जटिल स्ट्रक्चर होती है, जटिल है ना, ये ना जो ट्यूब्स है इसे मुड़ी भी जाती है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर कौन सी एपिथेलियम पाई जाती है, सिंपल क्यूबॉर्डल एपिथेलियम पाई जाती है, सिंपल क्यूबॉर्डल एपिथेलियम पाई जाती है इसके अंदर, ये दोनों के बीच की संरचना है। नेक्स्ट पॉइंट लूप ऑफ फैनले, लूप ऑफ फैनले यू शेप संरचना होती है, जो पीसीटी और डीसीटी के बीच में पाई जाती है, ये दो भागों में विभाजित होती है, डिसेंडिंग लूप ऑफ फैनले और असेंडिंग लूप ऑफ फैनले। इसके अंदर दोनों सिंपल और क्यूबॉर्डल, सिंपल स्क्वेमस और सिंपल क्यूबॉर्डल एपिथेलियम, दोनों एपिथेलियम इसके अंदर पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ये नेफ्रॉन का लास्ट वाला पार्ट होता है, ये इसमें सिंपल क्यूबॉर्डल एपिथेलियम पाई जाती है, ठीक है, बस। उसके अलावा आप इसके अंदर बहुत सारे जो लिखना चाहे जो भी लिख सकते हैं, जैसे कि मान लो लूप ऑफ फैनले इसको ऊपर से वासा रेक्टा कवर की रखी होती है, और वेंट्रिकुलर कैपिलरीज पाई जाती है, ठीक है। और भी मैं कल बताऊंगा कि यूरिन कैसे बनता है, तो वो जो चीज़ें हैं वो भी इसके अंदर आप ऐड कर सकोगे। तो नॉर्मल मैं इसे नहीं बता रहा, जो काम के पॉइंट्स है वो याद रखो, ये कहाँ होती है, मतलब इसको याद लिखना क्या है, थोड़ा बहुत पॉइंट, ये इसको वोमन कैप्सूल कहते हैं, इसको पीसीटी कहते हैं, इसको लूप ऑफ फैनले कहते हैं, पीसीटी है, और ये कलेक्टिंग डक्ट्स है, ये ब्लड जो ब्लड आर्टरीज वगैरह वेन आ रही है वो कहाँ से किधर जा रही है, किस तरह से वो काम कर रही है, ठीक है। वो अपन कल देखेंगे कि ये जो प्रॉक्सिमल वोमन कैप्सूल पीसीटी डीसीटी लूप ऑफ फैनले का काम क्या होता है, कहाँ कहाँ पे किस चीज़ का जो है फिल्ट्रेशन होता है, फिल्ट्रेशन मतलब समझ गए ना, कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ जो है छनती है,
वो अपन कल देखेंगे। हाल फिलहाल जो है इसको स्ट्रक्चर समझना जरूरी था, तब आप आगे का समझ पाओगे। ठीक है, तो दो दो पॉइंट इसमें सब जो मैंने लिखा है वो लिख लेना, और कुछ बुक्स में से आपको जो पॉइंट समझ में आए वो इसके अंदर ऐड कर लेना। ठीक है, फिर जो है कल अपन देखेंगे यूरिन कैसे बनता है। यूरिन जो है, यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे जो ब्लड में से यूरिन जो है ब्लड में से यूरिन मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो फिल्टर होते हैं, कैसे ट्यूब के अंदर आएंगे, ठीक है, और कैसे लास्ट में यूरिन बनता है, और वो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती है यूरिन के अंदर वो देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसमें कोई डाउट हो संरचना में आपको तो वापस मेरे को मैसेज कर देना। ठीक है।